देखो, रेजोनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल, ठीक है, एज हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर. और दूसरा, रेजोनेंस एवरेज इज द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स. तो ये दो पॉइंट तुम्हें लर्न करने हैं रेजोनेंस के. और ये क्या क्या रहे उसको देखो. तो मुझे बताओ, सपोज ये मैंने जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये एक ऑक्सीजन एटम है. सिमिलरली ये दो भाई हैं. अब मुझे एक बात बताओ, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इज़ लाइक अ लोन, एक लोन की तरह. सिर्फ इसी के ऊपर लोन हो और इसके पास कुछ लोन ना हो, या सिर्फ इसके ऊपर लोन हो और इसके ऊपर लोन ना हो, तो तुम मुझे बताओ, ये जो लोन है वो एक पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा या फिर बेटर रहेगा कि ये दोनों लोन को शेयर कर लें ताकि इन दोनों के ऊपर आधा आधा लोन आ जाए एंड ज़्यादा स्ट्रेस किसी के ऊपर ना आए. व्हाट डू यू थिंक, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे या हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अगर हम ये दो ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा लोन दे दें तो ये दोनों ज़्यादा खुश रह पाएंगे और यहाँ पे स्टेबिलिटी आ पाएगी, राइट? तो कहना है इसे रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. रेजोनेंस इज लाइक शेयरिंग. रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. ये वाली बात तुम्हें क्लियर है, येस और नो? अच्छा, रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, ठीक है. तो अगर एक और भाई होता इनका, सोचो अगर इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता, एक और एटम होता यहाँ पे, तो तुम बताओ अगर एक और होता भाई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती या कम? इफ देर वॉज वन मोर स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होता, अभी इसमें तो नहीं है, इफ वन मोर स्ट्रक्चर वॉज पॉसिबल. तो लोन शेयरिंग ज्यादा होती या कम? शेयरिंग ज्यादा होती या कम? तो शेयरिंग और ज्यादा होती, तो एक के ऊपर प्रेशर और कम आता, है ना? तो कहना है इसे जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. अगर किसी के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, किसी मॉलिक्यूल के तीन हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, एक के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और एक के तीन हैं, तो तुम बोलोगे जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी. ये वाला पॉइंट क्लियर है, येस और नो? ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है. पहली चीज, रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल एंड हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेंस हैज द लेसर एनर्जी दैन सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. दूसरा, रेजोनेंस एवरेज इज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज होल. अब जैसे ओजोन की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ओजोन के ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये सेम लेंथ के होते हैं या इक्वल लेंथ के होते हैं? ये सेम और डिफरेंट? These two bonds are of same length or different length? ओजोन के दोनों बॉन्ड्स ऐसे नहीं होते, ओजोन के दोनों बॉन्ड्स ऐसे होते हैं और वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं. रियलिटी में बोथ बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ. यही तो हमारा पॉइंट था रेजोनेंस से पहले. दे हैव सेम लेंथ, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा. याद आया? येस और नो? हमने यही तो कहा था लास्ट क्लास में कि ओजोन के अंदर ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है और ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती. पर एक्चुअल में द बॉन्ड लेंथ इज सेम एंड इट इज इन बिटवीन द टू बॉन्ड लेंथ्स.
तो इसीलिए ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ है दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, याद आया हाँ या ना? सो कैन आई से रेजोनेंस एवरेज कर देता है करेक्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल ये 148 लेंथ थी, 121 थी, तो पर इसका एवरेज हो गया, एवरेज मतलब अब तुम बोलोगे मैथ्स के हिसाब से तो ये एवरेज गलत है, पर इट इज़ लाइक नॉट एग्जैक्टली एवरेज बट इन बिटवीन द टू, 148 भी नहीं 121 भी नहीं, रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बीच में आ जाती है, नाइदर डबल नाइदर सिंगल बट अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सो दिस इज वॉट दिस पॉइंट इज सेइंग कि रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज होल. रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ जैसी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एवरेज को ऐसे समझो जैसे हमने बोला था दो भाइयों पे लोन था, है ना, इस पे लोन या तो इस पे लोन आ जाए 50,000 का और इस पे लोन हो सिर्फ 10,000 का, ठीक है, ऐसे इस पे 50,000 का लोन हो और इस पे हो 10,000 का. और हमने बोला था रेजोनेंस इज लाइक शेयरिंग, है ना, कि भाई तू क्यों परेशान होता है, हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों बराबर बराबर शेयर कर लेते हैं. तो तुम मुझे बताओ अगर रेजोनेंस होती है तो इन दोनों के ऊपर लोन इक्वल नहीं आ जाएगा और इनके ऊपर एवरेज नहीं आ जाएगा 30,000 और 30,000 का, ये बात समझ में आई, यस और नो? तो इस तरीके से अगर हम लोन को डबल बॉन्ड की तरह समझें, एक पे डबल बॉन्ड आए तो उससे अच्छा है कि दोनों पे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड आ जाए. सो इस वजह से जो डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दोनों पे बराबर आ जाती है, क्योंकि दोनों पे डबल बॉन्ड बराबर आ जाता है, और डबल बॉन्ड पूरा नहीं आता एवरेज आता है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. तो ये जो बॉन्ड है जो डॉटेड है, इसको डॉटेड इसीलिए बनाया गया है बिकॉज इट इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड नॉट अ फुल डबल बॉन्ड. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, यस और नो? ठीक है, ड्रॉ लुइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज एंड शो रेजोनेंस इन CO3 2-. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो CO3 2-, ठीक है, CO3 2- में कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होते हैं प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे, और दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एंड इट विल गिव 24 इलेक्ट्रॉन्स. अब 24 इलेक्ट्रॉन के साथ हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कार्बन को सेंटर में रखूँगा और उसके आसपास आई विल पुट 3 ऑक्सीजन. ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक सिंगल बॉन्ड बना दूंगा मैं, और सिंगल बॉन्ड बनाने से आई विल यूज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सिंगल बॉन्ड, और इससे मेरे पास बचेंगे कितने, माइनस करके सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो बचेंगे 18. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स में आई विल ट्राई टू फर्स्ट कंप्लीट द ऑक्टेट. इसके पास 2 हैं इसे 6 चाहिए, इसके पास 2 हैं इसे 6 चाहिए, इसके पास 2 हैं इसको 6 चाहिए, इसके पास 6 हैं इसे 2 चाहिए. तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 6 और 6 12 14 20, बट आई हैव 18, सो 18 इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से तो हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं होने वाला. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ डबल बॉन्ड, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन और यूज़ कर दिए डबल बॉन्ड के, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने माइनस कर दिया. अब मेरे पास बचे टोटल इलेक्ट्रॉन 16, और 16 इलेक्ट्रॉन से लेट मी सी अगर ऑक्टेट पूरा होता है, इसके पास 2 हैं इसे 6 चाहिए, इसके पास 2 हैं 6 चाहिए, इसके पास 4 हैं इसे 4 चाहिए, और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी फुल है, तो टोटल 6 + 6 + 4 दैट मेक 16 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज माय स्ट्रक्चर फॉर CO3 2-. ठीक है, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स
की को डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा, चार हैं इसे चार दे दूँगा, इसके पास सिक्स आ जाएंगे, इसके पास भी सिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मल चार्ज निकालने को बोला था, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आई विल नेम दीज एटम्स ए बी सी और डी। फॉर्मल चार्ज अगर मैं ए का निकालूँ तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सिक्स, सिक्स माइनस इसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर और बॉन्ड इसने बनाए हैं दो, दो बॉन्ड बनाए हैं, तो टोटल कितने कितना फॉर्मल चार्ज हो गया इसका, इसका फॉर्मल चार्ज हो गया ज़ीरो, ठीक है। बी पे आते हैं, बी में अगर हम काउंट करें तो बी में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इसमें ज़ीरो और चार बॉन्ड इसने बनाए हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया ज़ीरो, ठीक है। फिर सी पे आते हैं और सी में हम देखते हैं तो सिक्स माइनस, सिक्स माइनस वन बॉन्ड है तो टोटल इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, माइनस वन। एंड डी विल बी एग्जैक्टली सेम एज सी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन बॉन्ड और इसमें आ जाएगा माइनस वन। अगर तुम्हें कभी सॉरी माइनस वन, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि शायद तुमने कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया, तुम अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, डर रहे हो, तो तुम एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक करने का तरीका ये है कि तुम टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज देखो माइनस टू और जो तुम्हें मॉलिक्यूल दिया गया था उसके ऊपर भी माइनस टू, तो ये जो चार्ज होता है माइनस टू दिस शुड बी इक्वल टू दिस चार्ज, एंड अगर ऐसा है तो तुम्हारे फॉर्मल चार्जेस सही हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ लुईस डॉट और फॉर्मल चार्ज क्लियर, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर, यहाँ तक ठीक है। तो अगर हम इसको अब बॉन्ड की फॉर्म में बनाएं तो बॉन्ड की फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा सी ओ के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस सब में हमें पता है कि तो चार्ज लगाने के लिए माइनस वन चार्ज इस पे था और इस पे, दो पे माइनस वन था बाकी सब पे ज़ीरो। तो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, माइनस माइनस ये वाला चार्ज, ये हमारा फॉर्मल चार्ज लगा के स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर रेजोनेंस बनानी है, तो रेजोनेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तीनों ऑक्सीजन एटम पे शेयर करेंगे, तो तीनों पे शेयर करेंगे मतलब एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे और एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। बस करना क्या है, मॉलिक्यूल में जो जहाँ पे देखो पहले ये दोनों माइनस वन वाले थे, अब ये दोनों माइनस वन वाले हो जाएंगे, जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे माइनस वन चार्ज नहीं है, बाकी दोनों पे माइनस वन चार्ज है। तो ये हो गए हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलेंगे, दीज आर कैनोनिकल क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो एक हाइब्रिड बनेगा दैट विल बी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, और कैनोनिकल का जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या होगा, सी सेंटर में ओ साइड्स में, सो दिस विल बी माय रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताओ इज दिस ऑल क्लियर, यस और नो। अब इस टॉपिक में कुछ कुछ पार्ट्स रह गए थे, लेट अस स्टडी देम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है उसकी तरफ देखते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। तो मतलब क्या है कि देखो अब हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ने की बात भी तो करेंगे, हमें पता है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये सपोज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है। अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूँ
तो तुम मुझे बताओ बॉन्ड टूटने में एनर्जी लगेगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी. इफ आई ब्रेक अ बॉन्ड विल इट रिक्वायर एनर्जी और विल इट रिलीज एनर्जी. इट विल रिक्वायर एनर्जी है ना. क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है ऑलरेडी स्टेबल है. किसी स्टेबल चीज को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो ये समझो बॉन्ड इज अ स्टेबल यूनिट. बॉन्ड बना इसीलिए क्योंकि वो स्टेबल है. तो अगर तुम किसी स्टेबल चीज को तोड़ना चाहते हो, स्टेबल चीज को, एक बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, तो एनर्जी लगेगी है ना. राइट. तो इसीलिए वी कैन से कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिक्वायर्स एनर्जी. और अगर मैं ऐसे एक मोल ऐसे बॉन्ड्स को तोड़ूं, एक मोल तुम्हें पता है कितना होता है, एक मोल ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ूं, तो तुमने ऐसे 6.022 × 10⁻²³ ओ और ओ के बॉन्ड्स लिए और उनको सबको तोड़ने में देखा कि कितनी एनर्जी लगती है. सो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप विल बी नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसे ही बोलते हैं. तो व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. ठीक है. तो बिटवीन टू एटम्स इन द गैसियस स्टेट. सो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल. क्योंकि तुमने एक मोल के लिए निकाला है, जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम किलो जूल में बोलेंगे और फिर हम इसे बोलेंगे किलो जूल पर मोल के अंदर आएगी इसकी एंथैल्पी. फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 435.8 किलो जूल्स पर मोल लगते हैं. तो मुझे बताओ बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर है और यूनिट याद रहेगी, येस और नो? सो अब अगर हम बात करें, अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का है, सपोज वी हैव वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है. अब मुझे बताओ अगर हमें, मुझे इसमें एक बॉन्ड तोड़ना है, एक OH बॉन्ड, तो ये टूट कर क्या बनेगा? इट विल बिकम OH और H अलग हो जाएगा. अब अगर मैं एक और OH का बॉन्ड ब्रेक करना चाहूँ तो इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए अब मेरे पास फाइनली बनेगा O और H. राइट. तो ऊपर वाले में सपोज बॉन्ड एंथैल्पी लगती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा तो डेल्टा एच बॉन्ड, ये वन फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है और ये वाली है डेल्टा एच बॉन्ड टू. तो तुम मुझे बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने में लगी और जो सेकंड में लगी, क्या वो सेम होगी या डिफरेंट? प्लीज टाइप सेम और डिफरेंट. इट विल बी डिफरेंट. करेक्ट. क्यों? क्योंकि अगर एक बॉन्ड टूट जाता है तो बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. ठीक है. सेम नहीं होगा क्योंकि कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते. इसी तरीके से यहाँ पे भी जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर एक बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन को अब हाइड्रोजन और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. तुम ये सोचो ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी के लिए दो बॉन्ड चाहिए. ठीक है. अगर तुमने उसका एक बॉन्ड तोड़ दिया तो वो कम स्टेबल हो गया, इसलिए वो दूसरा बॉन्ड तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा. दोबारा समझो, पहला बॉन्ड तोड़ने में, पहला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, OH का फर्स्ट बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लगी, सपोज यहाँ पे लगी 50 किलो जूल्स पर मोल लगे. ठीक है. अब मैं पूछ रहा हूँ जो अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ना चाहो तुम वाटर का, क्योंकि एक बॉन्ड तुम तोड़ चुके ऑलरेडी, तो सेकेंड बॉन्ड तोड़ने में एग्जैक्टली 50 किलो जूल ही लगेंगे या ऊपर नीचे होगा कुछ, सेम होगा या डिफरेंट? तो द आंसर इज डिफरेंट. यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी वो सेकेंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी डिफरेंट. सपोज इट इज 63 किलो जूल्स पर मोल. ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबल था जब दो बॉन्ड थे. एक बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन अब दूसरा बॉन्ड तो नहीं तोड़ना चाहेगा ना. अगर तुम एक इंसान के पास 20 रुपये हैं, ठीक है, एक इंसान के पास 20 रुपये हैं और तुम उससे 10 रुपये छीन लेते हो,
ठीक है, तो तुमने 10 रुपये छीनने में जितनी एनर्जी लगी, तो अब जो अगला 10 रुपये छीनने में उतनी एनर्जी लगेगी या डिफरेंट एनर्जी लगेगी? अब उसे वो 10 रुपयों की और ज़रूरत होगी, राइट? बात समझ में आई? येस और नो? तो इसी तरीके से फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी सेकंड में नहीं लगती। तो अगर अब हमें पता लगाना है कि टोटल एवरेज क्या रहा दोनों बॉन्ड को तोड़ने में, तो हम एक पैरामीटर लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और मीन बॉन्ड एंथैल्पी होती है जितनी एनर्जी पहला बॉन्ड टूटने में लगी, जितनी दूसरी बॉन्ड टूटने में लगी, ऐसे जितने भी बॉन्ड तुमने तोड़े डिवाइडेड बाय जितने बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O के अंदर दो बॉन्ड तोड़ने में जो इन सपोज 50 और 63 किलो जूल्स, तो इनका मीन क्या होगा? 50 + 63/2, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लो, तो ये देखो H2O का फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने में लगी 502 किलो जूल पर मोल। सो अब फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने में 502 किलो जूल पर मोल लगी और सेकंड बॉन्ड टूटने में लगी 427 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर हमें बोलना है कि कितना एवरेज कितने बॉन्ड एंथैल्पी लगी है, तो मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और जितने बॉन्ड तोड़े उससे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने में लगे थे 502 किलो जूल्स और सेकंड बॉन्ड को तोड़ने में लगे 427। टोटल कितने बॉन्ड तोड़े तुमने? दो। तो इसका एवरेज आ जाएगा 464.5। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ये तब काम आता है जब जब एक से ज़्यादा बॉन्ड तोड़ रहे हो, और जब सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हो तब हम उसे सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 में एक ही बॉन्ड है तो उसमें देयर विल बी ओनली बॉन्ड एंथैल्पी। तो तुम मुझे बताओ सारे कि बॉन्ड एंथैल्पी एंड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्लियर है? येस और नो? तुम्हें कोई एनर्जी को लर्न नहीं करना, कोई भी एनर्जी को लर्न नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं ये तो बस एक एग्जांपल की तरह है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉन्ड ऑर्डर। इसको समझते हैं, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इन लुइस कंसेप्ट, लुइस का जो हमने डॉट स्ट्रक्चर करे हैं, इस लुइस कंसेप्ट में बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ही O2 के बीच में देर इज़ अ डबल बॉन्ड, N2 के बीच में देर इज़ ट्रिपल बॉन्ड। तो व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या है? 2, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 क्या है? 3, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स तुम सीधा काउंट करके बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इज दिस क्लियर व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? येस और नो? अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे बोला गया है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल F2O22-N2CONO2+ हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3। तो ये क्या कह रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ और ये बहुत यूज़फुल भी रहेगी। दो तीन चीज़ें हैं, There are things called isoelectronic species. Isoelectronic species क्या होती हैं? That have the same number of electron. इनके बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये हमारा काम थोड़ा आसान कर देते हैं। देखो कैसे, तुम O3 के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो isoelectronic species are the species having
इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम होते हैं ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, अब अगर सपोज O3 की बात करें, ओजोन, तो ओजोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हर एक ऑक्सीजन में 6 होता है, तो टोटल इसमें कितने हैं? 18. ठीक है, लेट अस सी SO2 में कितने हैं. SO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? सल्फर तुम्हें पता है, सल्फर होता है 16. सल्फर क्या होता है? 16. तो इसकी बोहर से कन्फिग्रेशन करें तो 2, 8, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और रो में तो होते ही 6 है, तो टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18. लेट अस सी NO2 माइनस. नाइट्रोजन में होते हैं 5, ऑक्सीजन में होते हैं 6 × 2 = 17 प्लस 1 − 1 का चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन 18. तो कैन आई से दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? O3, SO2 और NO2- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ये बात समझ में आई, येस और नो? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. ठीक है, इफ दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, तो एक अच्छा हैंडी रूल हमारे लिए रहेगा अच्छा, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम लुइस डॉट स्ट्रक्चर. तो अब तुम आसानी से क्लासिफाई भी कर सकते हो कि किसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर कैसा है. दैट मीन्स जो भी 18 इलेक्ट्रॉन्स के हमारे स्पीशीज हैं जिनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, उनका सेम लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनता है. तो दैट मीन्स सबका लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा. इफ़ यू कंपेयर, ओजोन का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, SO2 का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, और NO2- का स्ट्रक्चर भी ऐसा है. जिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके अंदर लुइस डॉट स्ट्रक्चर सेम होता है, बस फॉर्मल चार्ज डिफर करता है. फॉर्मल चार्ज तुम निकाल लोगे, सबका अपना अपना, सबका लुइस डॉट स्ट्रक्चर सेम है. तो ये वाली बात समझ में आई, इट मेक्स आवर वर्क इजी, राइट? अच्छा, अब इसके अलावा इफ वी सी, तुम एक और एग्जांपल लो, CO3 2- में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और बताओ क्या NO3- में भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो यू विल फाइंड दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन में लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा सेम, दोनों का लुइस डॉट स्ट्रक्चर सेम होगा. ठीक है, ऐसे यू कैन क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम. तुम बताओ ये वाले पॉइंट तुम्हें क्लियर है, येस और नो एवरीवन? अब एक और चीज़ है अच्छी अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी N2. N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन है 10. ठीक है, लेट अस सी कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 4 और इसके 6. 4 और 6 = 10. तो कैन आई से N2 एंड CO हैव सेम इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो इनका वैलेंस, इनके अंदर एक तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, जैसे N2 का स्ट्रक्चर ये है, तो आई कैन राइट कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी यही होगा. तो अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होगा. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम लुइस डॉट स्ट्रक्चर एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर. तो ये बॉन्ड ऑर्डर की बात भी समझ आ गई है, क्लियर और नॉट क्लियर?
सो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस. ठीक है, अच्छा रेजोनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए हमारे. तो व्हाट इज दी, देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता था, ऑक्टेट रूल कहता था जो एटम्स हैं दे आइदर लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और दे गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अच्छा तो यहाँ पे आएगा Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, सोडियम का और क्लोराइड का, NaCl का, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना. इसी तरीके से HCl, H और Cl के बीच में शेयरिंग होने से इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. ऑक्टेट कह रहा था, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंशियल कंप्लीट होने पे स्टेबिलिटी आती है. ऑक्टेट रूल कहता था स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन वैलेंशियल इज कंप्लीट. तो स्टेबिलिटी इज अटेन्ड व्हेन वैलेंस शेल इज कंप्लीट. ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इज जब कंप्लीट होता है तो स्टेबिलिटी आती है. ठीक है, अब इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे. ऑक्टेट रूल के देर आर मेनी एक्सेप्शंस, एंड क्या एक्सेप्शंस हैं, सबसे पहला इज LiCl एंड BeH2. तुम LiCl देखो, बेरीलियम हाइड्राइड BeH2 को देखो. Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Be हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. ठीक है, तो बेरीलियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, Be इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1-1, तो इनका लुइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है. तो अब मुझे बताओ ये BeH2 में बेरीलियम का ऑक्टेट पूरा है क्या, बेरीलियम की वैलेंस शेल कंप्लीट है, येस और नो. बेरीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बेरीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए. हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए. तो शुड BeH2 एग्जिस्ट, नो. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग BeH2 शुड नॉट एग्जिस्ट, बट BeH2 एग्जिस्ट करता है. दिस शोज अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी. ऑक्टेट रूल हमारा सही नहीं बता रहा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट. ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट में पहला है, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले. फॉर एग्जाम्पल LiCl इज ऑल्सो कोवलेंट, और LiCl के अंदर Li के पास एक होता है, Cl के पास 2. लिथियम का ऑक्टेट क्या पूरा है, येस और नो. नहीं है, क्यों पूरा नहीं है, लिथियम को चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इट हैज ओनली 2. ठीक है, तो लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, नॉट आयनिक. अगर वो आयनिक, अब इस केस में अच्छा एक और तुम मुझे बताओ, BCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ और टेल मी क्या BCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट है, येस और नो. कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिखना है जल्दी से. BCl3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इनकम्प्लीट, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन अपना सिंगल बॉन्ड बना के उसके साथ 1 ही शेयर करता है.
तो यहाँ पे बोरॉन के पास कितने हो जाएंगे? बोरॉन के पास हो जाएंगे 6, 8 नहीं हुए उसके पास, तो इसीलिए ऑक्टेट कैसा हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्लियर हुई दैट देर आर सम एटम्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। किन कंपाउंड्स में? कंपाउंड्स लाइक LiCl, BeH2, BCl3, इनके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एंड BF3। फर्स्ट पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तुम्हें पता है NO2 एग्जिस्ट करता है? NO2 इज अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट। तो अगर NO2 की हम बात करें तो NO2 में NO2, नॉट NO2-, NO2 में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7, 7 कैसे? 4, 6 इधर से और एक इसके पास, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला NO2 स्टेबल क्यों है? तो इसका भी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसे हम बोल रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल। दैट प्रूव्स कि ऑक्टेट रूल हमारा करेक्ट नहीं है इस केस में भी, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, ठीक है, इसके 7 ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अच्छा अच्छा नेक्स्ट, अब लेट अस लुक एट PCl5। PCl5 एक कंपाउंड है। PCl5 में क्लोरीन को तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है शेयर करने के लिए, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 5 शेयर कर लेता है विद 5 क्लोरीन। अब यहाँ पर PCl5 में फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो ये तो ऑक्टेट से ज़्यादा हो गए, 8 होता है स्टेबल करने के लिए, पर यहाँ पे 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाना यानी ऑक्टेट से ज़्यादा, तो ऐसा केस कहलाता है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर रहा है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 स्टेबिलिटी लाता है, पर यहां पे 10 लेके आ रहा है, कैसे क्यों पता नहीं हमें, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, SF6 ट्राई करो। फ्लोरीन को एक चाहिए होता है SF6। तो SF6 में 6 बॉन्ड बनाते छः बॉन्ड बनाते हुए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? 8, 10 या उससे ज़्यादा? सल्फर के पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने हुए, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के पास शेयरिंग करते हुए। तो अगेन दिस इज अ केस ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट। 12 इलेक्ट्रॉन्स क्यों स्टेबिलिटी ला रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए हमने बोला ऑक्टेट रूल सही नहीं है। कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं कम, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा, फिर भी मॉलिक्यूल होता है स्टेबल, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट वगैरह अभी हमें इसको छोड़कर तुम्हें बस एग्जांपल्स को लर्न करना है, ये हम आगे समझेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए काट दिया बिकॉज ये अभी हम आगे समझेंगे थ्योरी के साथ, तब समझ आएगा, ठीक है। अच्छा अब इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स देर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अराउंड द सेंट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपैंडेड ऑक्टेट। अच्छा ये कुछ एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जाम्पल हैं, PF5, SF6 एंड H2SO4, ठीक है। सल्फर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी बनाता है जिसमें ऑक्टेट पूरा होता है
और कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता. SO2 वॉज एन एग्जाम्पल, ठीक है, और SCl2 इज ऑल्सो एग्जाम्पल. यहाँ पे सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, पर SF6 एंड H2SO4 में ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इस केस में एक्सपैंडेड ऑक्टेट है. तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि सल्फर फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्टेट पूरा होता है और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्टेट एक्सपैंडेड होता है. तो ये पॉइंट एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्लियर है, येस और नो? सो और क्या लिमिटेशन? अच्छा और भी देखो, एक दो और पॉइंट ये हैं. देखो, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट ऑक्टेट रूल के हिसाब से नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है. नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट, बट सम नोबल गैसेस ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स लाइक ज़ेनॉन फॉर्म्स XeF2, क्रिप्टॉन फॉर्म्स KrF2, ज़ेनॉन फॉर्म्स XeOF2. तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनका ऑक्टेट तो पूरा है, इनका वैलेंस शेल तो पूरा है, बट दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स. सो इस केस में, इस केस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नोबल गैसेज शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड, बट नोबल गैसेज कंपाउंड बनाता है, ठीक है. दूसरी चीज, ये ऑक्टेट की थ्योरी से शेप, मॉलिक्यूल्स की शेप का कुछ पता नहीं चलता. नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता. तो ये सारे हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट, की ऑक्टेट थ्योरी क्यों खराब है, ठीक है.